हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांटर्स जॉय विद दोलोन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब। कल का पूरा वक्त मैंने अपने पौधों को रीअरेंज करने में, गमलों को रीअरेंज करने में बिताया है, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई थी। जिन्होंने मेरा लास्ट हिबिस्कस का वीडियो नहीं देखा है वो नहीं जानते हैं कि मैंने इस साइड पे शेड के अंदर पौधे रखे हुए थे सिर्फ हिबिस्कस के। एक्चुअली सुबह की धूप उनको वहाँ पे मिल जाती है, मगर एक्सट्रीम वेदर हो रखा है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और शाम के वक्त भी इस तरह से बादल छा जाते हैं और बारिश होती है। इसलिए इस एक्सट्रीम वेदर के चलते जो हो रहा है, मेरे पौधे कंफ्यूज हैं कि इनको खिले रहना है कि इस तरह से पत्ते मतलब पीले पड़ के जल रहे हैं। तो ये वाला जो मेरा पौधा है, इसका भी सिरा जल गया है। इस वक्त पे पौधे भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं। गर्मियों में क्या होता है कि उनको पता होता है, पौधों को पता होता है कि ये समर सीज़न है, मगर अभी जो सितंबर का मौसम है इसमें इस तरह की गर्मी यूजुअली नहीं होती है। और पौधे इसलिए अभी अगर मैं काउंट भी करूँ तो अराउंड 20-30% पौधों के पत्ते पीले पड़े हुए हैं। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो जाता है, नेचुरल एजिंग है। ये जैसा मेरा प्लूमेरिया का पौधा है, चंपा का पौधा है, रेड कलर का, यूजुअली इसको बिल्कुल सनलाइट की ज़रूरत होती है और ये बिल्कुल सनलाइट में ही था और इसके पत्ते आप देख सकते हैं अब किस तरह से जल गए हैं। तो इस एक्सट्रीम वेदर फॉर मी आल्सो इट्स न्यू एंड फॉर माय प्लांट्स आल्सो, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है। चाहे मैं जितना भी पानी डाल लूँ, जितना भी मिट्टी इनकी गीली रहे, मगर इस तरह से उनके पत्ते जल रहे हैं एंड द लीव्स एंड प्लांट्स आर टेलिंग मी दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। कल मैंने जितनी भी मेहनत करी है उसका एक पोर्शन बिल्कुल वेस्ट हो गया है, क्योंकि मैंने साइकिल पर 3 गमले रखे थे और जैसे ही मैं अपना काम ख़त्म करके नीचे गई हूँ, ये भाई साहब थोड़ा आंधी और थोड़ा हवा क्या चला, ये तो बिल्कुल उलट ही गए, पलट गए 3 गमलों के साथ और गमले टूट गए हैं, मिट्टी बिखर गई है। तो अभी बारिश आने से पहले मुझे ये सारा काम दोबारा से करना पड़ेगा। ये एक अपडेट वीडियो है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।